सभी को जय जिनेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छह आवश्यक के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण वाले एपिसोड चल रहे हैं, जिसमें आपने पिछले दो एपिसोड्स में जाना क्या पांच महाव्रत होते हैं, क्या पांच समिति होती हैं और क्या पांच इंद्रिय विजय होते हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे क्या छह आवश्यक होते हैं, इनको क्या होता है, साधु परमेष्ठी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करते हैं, वो होते हैं छह आवश्यक, जिसके बिना सम्य चारित्र का निर्दोष पालन नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं आवश्यक। अब वो आवश्यक क्या है, अब आप सोच रहे होंगे दीदी सम्यक चारित्र क्या है ये तो बताओ। तो आप डोंट वरी, घबराइए नहीं, आने वाले वीडियोस में मैं आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की अलग अलग डेफिनेशंस और वो भी पूरे विस्तार से आपको बताऊंगी। अभी हम पहले बात करते हैं छह आवश्यक के बारे में। छह आवश्यक कौन कौन से होते हैं, पहला है संता, दूसरा है स्तुति, देन वंदना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। अब समता आवश्यक क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, महाराज जी को आप कभी भी देखना, उनका कोई भी फ्रेंड हो, एनिमी हो, उनको कोई भी किसी भी प्रकार का दुख हो, सुख हो, कोई उनको अच्छा कहे, बुरा कहे, कुछ भी हो, उनको कितने ही बुखार हो जाए, वो सभी परिस्थितियों में बिल्कुल एक से रहते हैं। आप उनको देख लीजिएगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि उनको वो दुख हो गया आप तो महाराज जी रोएंगे, पक्की बात है, नहीं 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 ऐसा कभी नहीं होता। साधु परमेष्ठी जो होते हैं, महाराज जी लोग जो होते हैं, वो हमेशा हर स्थिति में एक से होते हैं, उसको बोलते हैं संत आवश्यक। अब दूसरा है स्तुति और वंदना, तीसरा है वंदना। मैं हमेशा छोटी थी तो कन्फ्यूज रहती थी कि स्तुति और वंदना में क्या अंतर है, दोनों सेम लग रहे हैं, स्तुति भी भगवान की कर रहे हैं, वंदना भी हम भगवान की कर रहे हैं, फिर अंतर क्या है। तो पूज्य ऋषि निर्विक सागर महाराज जी कहते हैं कि जो 24 तीर्थंकर की जाती है वो होती है स्तुति, और वंदना में हम किसी स्पेसिफिक एक तीर्थंकर के गुणों का गुणगान करते हैं, उसको बोलते हैं वंदना। बहुत सिंपल है। तो जो 24 तीर्थंकर की होगी वो होती है स्तुति, या स्तवन भी कहते हैं उसको, और स्पेसिफिक किसी एक तीर्थंकर के गुणों का गुणगान करना होता है वंदना। अब चौथा आवश्यक है प्रत्याख्यान। अब प्रत्याख्यान क्या होता है दीदी, नाम तो बड़ा टफ टफ है, कैसे याद करेंगे, अरे याद नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीके से समझना है। तो प्रत्याख्यान क्या होता है, जो कर्म आते हैं उसको, कर्मों के आने के द्वार को क्या कहते हैं, आश्रव कहते हैं। ये मैं आपको एक दिन सात तत्व सिखाऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा आश्रव क्या होता है। तो जो हमारे दिन भर कर्म आते हैं, तो उन कर्म आते हैं तो बहुत सारा क्या होता है, कर्म बंध जाते हैं। इसके लिए महाराज जी क्या करते हैं कि जो कर्म आते हैं उसके लिए वो पहले ही बुरी चीज़ों का, या जो भी कह सकते हैं हम जो त्यागने योग्य है, उन चीज़ों का मन वचन काय द्वारा उनका त्याग ले लेते हैं। कैसे, राग द्वेष मोह आदि का वो मन वचन काय द्वारा त्याग कर देते हैं पहली चीज। प्लस जब आपने देखा होगा वो भोजन करके आते हैं ना, जब महाराज जी आहार लेके आते हैं, तब भी वो आने वाले 24 घंटे के लिए सभी प्रकार के आहार का, चारों प्रकार के आहार का मन वचन काय से त्याग कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रत्याख्यान। ठीक है, अब आता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण में क्या होता है, आपने देखा होगा महाराज जी लोग कहते हैं आज तो चतुर्दशी है, आज तो हम बड़ा प्रतिक्रमण करेंगे। यूजुअली भी शाम को महाराज जी प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण में क्या होता है कि हम मन वचन काय द्वारा, हमारे द्वारा जो जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं उनकी हम क्या करते हैं, अनुमोदना करते हैं, बार बार ऐसा कहते हैं कि वो सब पाप मिथ्या होवे, मैं पश्चाताप करती हूँ। आपने सुना होगा लघु प्रतिक्रमण में ये लाइन बार बार आती है। तो अपने दोषों को स्वीकार करना, अपने गुरु के समक्ष जाके और कहना वह सब मिथ्या हो गए, उसको बोलते हैं प्रतिक्रमण। उसके बाद लास्ट आता है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग क्या है, अपने शरीर से ममत्व भाव को त्यागते हुए खड़े होकर या बैठकर किसी भी प्रकार से अपने आत्मस्वरूप का बार बार चिंतन करना, सो कायोत्सर्ग है। बहुत सिंपल सी चीज है। तो इस प्रकार से ये छह आवश्यक होते हैं जिनको साधु परमेष्ठी अपने जीवन में रोज फॉलो करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कितना मुश्किल है रोज रोज प्रतिक्रमण पढ़ना, कायोत्सर्ग करना, और सबसे टफेस्ट चीज क्या है इसमें, समता भाव धारण करना। हमारे कोई घर में हमारी बहन या हमारा भाई हमसे कुछ कह के तो देखे, कैसे हम पूरा घर सर पे उठा लेंगे, लेकिन महाराज जी लोग के साथ ऐसा नहीं होता। कितना ही दुख हो, कितने ही सुख हो, वो ऑलवेज एक से रहते हैं, जो हमें उनसे सीखना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम जानेंगे साधु परमेष्ठी के साथ विशेष गुण, और उसी के साथ हो जाएंगे हमारे कंप्लीट 28 मूल गुण। तब तक देखते रहिए जैन पाठशाला बाय शिवानी। सभी को जय जिनेंद्र। और रुके रुके रुके, यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए जैन पाठशाला बाय शिवानी। सभी को जय जिनेंद्र।